हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सूत्रधार माने जाने वाले कपूर परिवार के बारे में तो आप सभी ने काफी कुछ सुना और पढ़ा है। पृथ्वीराज कपूर से लेकर रणबीर कपूर तक ये खानदान बॉलीवुड में अपना दबदबा बनाए हुए है और समय चक्र के साथ ही अपना सिक्का चलता रहा है। लेकिन इन सब के बीच शायद कम ही लोग जानते होंगे कि 60 के दशक में अपने हास्य अभिनय का लोहा मनवाने वाले दिग्गज हास्य अभिनेता राजेंद्र नाथ और उनके बड़े भाई वो पर्दे पर मुख्य विलन प्रेमनाथ से कपूर खानदान का बेहद गहरा रिश्ता है। जबकि कपूर फैमिली के मुकाबले ये दोनों इंडस्ट्री में काफी बाद में आए थे और बैकग्राउंड भी फिल्मी नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी में था। दरअसल प्रेमनाथ और राजेंद्र नाथ की बहन कृष्णा मल्होत्रा पृथ्वीराज कपूर की बहू और राज कपूर की पत्नी थी। वही कृष्णा मल्होत्रा जिन्हें बाद में कृष्णा कपूर के नाम से जाना जाने लगा। ऐसे में प्रेम और राजेंद्र नाथ रणधीर ऋषि और राजीव कपूर के सगे मामा लगे। इस रिश्ते में कहानी ऐसी थी कि राज कपूर और कृष्णा मल्होत्रा की शादी सरकारी बंगले में हुई थी। तब वो महज 16 साल की थी और राज कपूर उनसे 6 साल बड़े थे। कृष्णा के पिता का नाम करतार नाथ मल्होत्रा था जो मध्य प्रदेश के रीवा में आईजी यानी कि पुलिस महानिरीक्षक थे। पेशावर पाकिस्तान के रहने वाले पृथ्वीराज कपूर को 1930 के दौरान फिल्मों के कारण कई शहरों में जाना पड़ता था। जब वो अपनी नाटक कंपनी पृथ्वी थिएटर को कई शहरों में लेकर जाने लगे तो मध्य प्रदेश के छोटे से शहर रीवा में पहुंचे। यहां उनके साथ दोनों बेटे राज और शम्मी कपूर भी हो लिए। यही से दोनों परिवार की किस्मत आपस में जा मिली। उस दौरान करतारनाथ मल्होत्रा रीवा के आईजी थे तो उनके सरकारी बंगले पर कपूर परिवार की बेहतरीन खातिरदारी हुई। जानकार कहते हैं कि करतार रिश्ते में पृथ्वीराज कपूर के ममेरे भाई लगते थे। धीरे धीरे दोनों परिवार में घनिष्ठता बढ़ गई। इसी के साथ कपूर परिवार ने मुंबई में अपना ठिकाना जमा लिया था। इसी के बाद जब माया नगरी में कपूर खानदान फिल्मों का निर्माण करने लगा तो करतार सिंह के बेटे नरेंद्र नाथ और प्रेमनाथ भी अपनी किस्मत आजमाने मुंबई चले गए। बाद में प्रेमनाथ ने छोटे भाई राजेंद्र नाथ को भी मुंबई बुला लिया था। इसके बाद राज कपूर और शम्मी कपूर का मल्होत्रा परिवार के घर रीवा आना जाना लगा रहता था। कुछ समय बीतने के बाद पृथ्वीराज के बेटे राज कपूर का रिश्ता आईजी साहब की बेटी करतार मल्होत्रा के साथ तय हो गया। उस समय आईजी साहब की शानो शकत और रुतबे का अंदाज अलग ही हुआ करता था। 12 मई 1946 को कपूर खानदान धूमधाम से रीवा में बारात लेकर गया। बारातियों की रॉयल मेंशन में ठहराया गया था। सबकी मौजूदगी में दोनों की शादी हो गई। राज और कृष्णा की मुलाकात के पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। पृथ्वीराज कपूर फिल्मी बैकग्राउंड की बहू नहीं लाना चाहते थे क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिल्मी और निजी जिंदगी को एक साथ मिला दे। इसलिए वे पारंपरिक लड़की की तलाश में थे। फिर उन्होंने अपने ममेरे भाई के बेटे प्रेमनाथ के साथ राज कपूर को रीवा घूमने भेज दिया था। इसके बाद उनकी कहानी बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में आगे बढ़ी। वे जब घर में अंदर घुसे तो संगीत की मीठी आवाज सुनाई दे रही थी। बस वे उसके पीछे पीछे चल पड़े। खिड़की के अंदर देखा तो बस राज कपूर की आंखें वही ठिटक गई। उन्होंने देखा कि अंदर एक लड़की सफेद साड़ी में लिपटी बालों में मोगरे के फूल लगाए सितार बजा रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि कृष्णा मल्होत्रा ही थी। उस समय वह संगीत सिखा करती थी। बस राज कपूर के मन में उनकी तस्वीर छप गई। शादी के बाद भी कृष्णा अधिकतर खासतर सफेद साड़ियां पहनती थी और बालों में मोगरा लगाती थी क्योंकि राज कपूर इसे पसंद करते थे। राज कपूर से शादी के बाद कृष्णा कपूर को चूंकि कृष्णा मल्होत्रा के कुल 13 भाई बहन थे, बताया जाता है कि उनके पिता ने 3 शादियां की थी। प्रेमनाथ राजेंद्रनाथ और कृष्णा दूसरी पत्नी के बच्चे थे। पिता के रिटायर होने के बाद उनका परिवार जबलपुर आ गया था। कृष्णा के पति फिल्मों में थे और अच्छी पकड़ बना रहे थे। फिर कृष्णा के भाई राजेंद्रनाथ और अन्य भाइयों ने फिल्मों में भविष्य तलाशना शुरू किया। सबसे पहले राजेंद्र नाथ के बड़े भाई प्रेमनाथ मुंबई पहुंचे थे। उन्हें पृथ्वीराज कपूर के थिएटर में काम मिल गया था।
जब उन्हें सफलता मिलने लगी तो छोटे भाई राजेंद्रनाथ को भी अपने पास बुला लिया था। राजेंद्रनाथ छोटे होने के कारण मस्त मौला थे और करियर को लेकर गंभीर नहीं थे। जब प्रेमनाथ ने उन्हें समझाया कि अपना खर्चा खुद उठाए और कामयाब बने तो उन्होंने असल में मेहनत शुरू की। राजेंद्रनाथ को अशोक कुमार अभिनीत वचन फिल्म में पहली बार काम करने का मौका मिला था। इसमें उनकी छोटी भूमिका थी। इसके बाद बेगम और बादशाह, गुलाम सहित कुछ फिल्मों में उन्हें छोटी छोटी भूमिकाएं मिली तो उनका हौसला बढ़ने लगा, लेकिन उन्हें लीड रोल नहीं मिल रहा था। इसे देख बड़े भाई प्रेमनाथ ने खुद राजेंद्रनाथ को अपनी फिल्म गोलकुंडा का कैदी फिल्मों में साइड हीरो का रोल दे दिया था। लेकिन 1954 में रिलीज हुई यह फिल्म फ्लॉप हो गई थी। साथ ही राजेंद्रनाथ का हीरो बनने का जोश ठंडा पड़ गया। इसके बाद 5 साल के बाद राजेंद्रनाथ ने 1959 में हम सब चोर है में हास्य भूमिका निभाई। उनके रोल के लिए भरपूर तारीफ हुई। इसके बाद मिस इंडिया, शरारत, जब प्यार किसी से होता है जैसी फिल्मों में काम कर कॉमेडियन की छवि स्थापित कर ली थी। उनके पोपटलाल के किरदार ने उन्हें कॉमेडी की दुनिया में अमर बना दिया। उनके शो ने यूरोप और अमेरिका तक में नाम कमाया। प्रेमनाथ और राजेंद्रनाथ के इंडस्ट्री में रहते ही बहनोई राज कपूर के बच्चे बड़े हो गए थे। रणधीर कपूर और नीतू सिंह को लेकर उन्होंने फिल्म ग्रेट क्रैशर शुरू की थी, लेकिन जल्द ही राजेंद्रनाथ भारी कर्जे में डूब गए। फिर भाई नरेंद्रनाथ की मौत के बाद उनका फिल्मी दुनिया से मन उठ गया। अभिनय की अंतिम पारी उन्होंने हम 5 धारावाहिक में पूरी की। शम्मी से उनकी दोस्ती पृथ्वी थिएटर में काम करने के दौर में हुई और आखिर तक कायम रही। इसके अलावा दरबारा स्कूल रीवा के अपने सहपाठी कांग्रेस नेता अर्जुन सिंह से भी उनके रिश्ते बने रहे। 13 फरवरी 2008 को उन्होंने मुंबई में अंतिम सांस ली। इससे पहले प्रेमनाथ 3 नवंबर 1992 में ही दुनिया को अलविदा कह गए थे। प्रेमनाथ के बेटे प्रेम किशन और मोंटी नाथ दोनों ने ही अभिनय की दुनिया में हाथ आजमाया। प्रेम किशन निर्देशन की लाइन में कामयाबी की तलाश करते रहे। मोंटी ने हमें लाजवाब 1982, तेरी कसम 1982, प्रेम रोग 1982, आवाज 1984, राहु केतु 1978, जीते ही शान से 1987 और हीर रांझा 1992 में की। उन्हें भी लीड रोल में शायद ही कभी देखा गया हो। वही प्रेम किशन के बड़े बेटे मोंटी के भतीजे और प्रेमनाथ के पोते सिद्धार्थ पी मल्होत्रा भी अभिनय की दुनिया में नजर आए। उन्होंने फिल्मों के अलावा टीवी शोज भी किए। अभिनेता प्रेम किशन की बेटी और सिद्धार्थ पी मल्होत्रा की बहन आकांक्षा मल्होत्रा भी फिल्मों में एक्टिव रही है और उन्होंने ये मोहब्बत है, ऐसा क्यों होता है और वीरे दी वेडिंग में अभिनय करने का मौका मिला। जबकि मोंटी के बच्चे अधिराज मल्होत्रा और अर्जुन मल्होत्रा इस चकाचौंध भरी दुनिया से दूर रहे। तो इस तरह फिल्म इंडस्ट्री में प्रेमनाथ की पीढ़ियां धीरे धीरे भुला दी गई। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।